नमस्कार, वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग आज सभी का। मैं आपका आज के होस्ट, आपका सारथी, आपका एंकर होने की बदौलत में आज आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की शाम हमने संगीत से लिपट कर और सुरों से सजाकर आप तक लाए हैं। दोस्तों, एक के बाद एक हम यहां से बेहतरीन नगमे पेश करेंगे, लेकिन जैसी हमारी परंपरा रही है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हम गणेश जी की वंदना से करते हैं, तो आइए दोस्तों, दर्शना जी और पारुल बेन जी से हम सरस्वती माता जी की प्रार्थना यहाँ सुनते हैं। सरस्वती माता की जय। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आइए आज की महफिल आगे बढ़ाते हैं। आज की महफिल की दोस्तों खास बात यह है कि यहाँ जो भी फनकार, जो भी कलाकार आएंगे, सब शिवरंजनी कराओके क्लास के स्टूडेंट्स हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स ने अपनी बेहतरीन तैयारी के साथ, बहुत सारी प्रैक्टिस के साथ और बहुत मेहनत करके दोस्तों आज का ये शो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। दोस्तों, तो दोस्तों इस शो के, इस कराओके क्लास के दोस्तों जो टीचर है, आइए दोस्तों हम उन्हें बुलाते हैं। प्लीज हेल्प यू इनवाइट कमलेश ओझा। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सिंगर है और एक्स बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉय है। तो आइए दोस्तों उनसे दो शब्द सुनते हैं। दोस्तों साथियों, आज की दिनांक 13 अक्टूबर है। आप सब जानते हैं, जो भी संगीत से जुड़े हैं वो ये जानते ही है कि आज का दिन वैसे खुशी का दिन नहीं है, क्योंकि 13 अक्टूबर वो डेट है जिस दिन हमने हमारे हरफन मोला प्लेबैक सिंगर किशोरदा यानी कि किशोर कुमार जी को हमने हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन वो उनके गीतों के जरिए हमारे बीच मौजूद है। तो आज उसके स्मृति दिन पर आज की शाम का पहला नगमा किशोरदा का, ये जीवन है इस जीवन का, यही है यही है, ये गीत पेश करके मैं हमारे हरफन मोला किशोरदा को श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। बाद में शिवरंजनी कराओके क्लास के सभी स्टूडेंट्स, करीब 14 यानी के 14 विद्यार्थी है, भाई बहन है, वो सभी अपनी अपनी तैयारी करके आए हैं और यहीं जहाँ से मैं लाइव कर रहा हूँ वो क्लास में से ही है और मेरे सामने भी बैठे हैं अभी और मुस्कुरा भी रहे हैं कि सर आप गा लो, बाद में तो हमारी ही बारी है। तो पहला गाना मैं पेश करता हूँ, बाद में बारी बारी स्टूडेंट्स यहाँ से गाएंगे। आप सभी से एक ही निवेदन है, संगीत के आप चाहने वाले हो तो ये जो लोग मेहनत करके आए हैं, गाना सीखते हैं,
मेहनत करके आए हो, गीत सीख रहे हैं, उनके लिए आप ये कार्यक्रम शेयर कीजिए लोगों के साथ। शेयर बटन पर जैसे ही आप जाएंगे आपको ऑप्शन मिलेगा आपको शेयर कहाँ करना है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप में इंडिविजुअल में कहाँ शेयर करना है आप शेयर कर सकते हैं। और ऐसे कार्यक्रम बार बार देखने को मिले आपको, इसलिए एक और रिक्वेस्ट है, हो सके तो आप हमारे इस ग्रुप की चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि दूसरी बार जब भी हमारा कार्यक्रम शुरू हो उसी समय सबसे पहले आपको ये मैसेज मिल जाए कि कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो आइए आज की शाम का पहला नगमा, ये जीवन है इस जीवन का। जीवन है इस जीवन का, यही है यही है यही है रंग रूप। ये जीवन है इस जीवन का, इस कार्यक्रम को जितना हो सके उतना शेयर करिए। और ये जो YouTube चैनल है कमलेश ओझा वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सिंगर, इसे हो सके उतना सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन खास दबाए ताकि इससे ही हम जो आगे भी शो करें उसकी आपको नोटिफिकेशन आती रहे।
तो आइए दोस्तों आज की इस महफिल का आगाज करते हैं, और आगाज करते हैं इस ऐसे शख्स के साथ जो इस कराओके क्लास के सबसे सीनियर मोस्ट स्टूडेंट है, और उन्होंने जो नगमा चुना है वो है एकदम नए जमाने का। तो क्या कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों प्लीज हेल्प मी वेलकम जीतू भाई छीछिया ऑन द स्टेज, हमारे इस क्लास के सीनियर मोस्ट सिंगर है जीतू भाई छीछिया। खुद एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर भी है और बहुत ही अच्छी आवाज है इनकी दोस्तों। अभी रिटायर्ड हो चुके हैं दोस्तों, लेकिन संगीत में बहुत इंटरेस्ट है और उम्र ने उमंग साथे कोई संबंध नहीं, ऐसा जीतू भाई का कहना है। तो आइए दोस्तों इनसे ही आज की शाम का बेहतरीन नगमा सुनते हैं। उदित नारायण जी का है। उदित नारायण जी जिन्होंने 5 दशकों से भी ज्यादा बॉलीवुड में अपना सफर चालू रखा है दोस्तों, उनसे ही बेहतरीन नगमा फिल्म वीर जारा से जानम देख लो मिट गई दुनिया। देख लो मिट गई दूरियां, मैं तुम्हारे हर एक
ख्वाब में हूँ बसा, मैं तुम्हारी नजर उजालों में भी हो, मुझे देखती हो जहाँ, देख लो मिल गई दुनिया, मैं कैसी सरहदे कैसी मजबूरियाँ, मैं थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां इधर हो जानी चाहिए दोस्तों जीतू भाई के लिए। तो दोस्तों अभी तो बस आगाज हुआ है, अंत तो अभी बहुत दूर है। कहने को बातें बहुत है लेकिन लव्स मजबूर है। तो ये आज की इस बेहतरीन शाम का दूसरा नगमा यहाँ से पेश करते हैं। उसके लिए मैं दोस्तों बुलाना चाहता हूँ पारुल बेन जोशी को। प्लीज कम ऑन द स्टेज। आज की शाम का पहला फीमेल का नगमा दोस्तों पारुल बेन सुनाएंगी। पेशे से होम मेकर है और हमारे साथ दोस्तों ये शो भी कर चुकी है। आज बेहतरीन ये नगमा सुनाएंगी, गली में आज चांद निकला।
गली में आ क्या बात है, क्या बात है, जोरदार दोस्तों ताली हो गई स्टूडियो में। क्या बात है पारुल जी, बहुत अच्छा नगमा गाया आपने। तो जैसे हमने शो का आगाज किया था सबसे सीनियर सिंगर के साथ, तो आइए दोस्तों अब बात ही है इस करोके क्लास के सबसे जूनियर मोस्ट लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका नवयुक्त शेठ के लिए। तो आइए दोस्तों अब नवयुक्त शेठ को बुलाते हैं स्टेज के ऊपर, जो फिल्म मेरे सनम से ओपन एयर का संगीत है, रफ़ी साहब का सुर है, और यहाँ से नवयुक्त सॉन्ग सुनाएगा पुकारता चला हूँ मैं। Thank you.
क्या बात है नवीद, थैंक यू। तो दोस्तों ये थे हमारे क्लास के जूनियर मोस्ट सिंगर। आइए दोस्तों अब बुलाते हैं दर्शनाबेन ठाकर को। बहुत ही प्यारी आवाज़ है दोस्तों इनकी। यहाँ से वो फिल्म ममता से लता जी का गाया हुआ एक बेहतरीन नगमा जो मजरूह सुल्तानपुरी जी ने लिखा था वो सुनाएंगी। गीत के बोल हैं दोस्तों, रहे ना रहे हम महका करेंगे। दोस्तों दर्शनाबेन होम मेकर है और बहुत ही शिद्दत से दोस्तों ये रियाज करती है अपने घर पे। खास दोस्तों मंदिर सप्तक का ये रियाज करती है और कराओ के क्लास में आने के बाद इनकी बहुत ही प्रगति हुई है। हर रोज सुबह दोस्तों मंदिर सप्तक की साधना करती है और शाम को अलंकार का रियाज करती है। तो आइए दोस्तों दर्शना जी से सुनते हैं, रहे ना रहे हम महका करेंगे। चलते अश्कों से भीगी चांदनी
थैंक यू। क्या बात है। तो दोस्तों देखने की बात यह है कि मैं एंकरिंग तो कर रहा हूं लेकिन मैं भी इस कराव के क्लास शिवनी कराव के क्लास का एक स्टूडेंट हूं। तो दोस्तों मेरी बारी है और मैं शमी कपूर जी पे फिल्म में गया बहुत ही बेहतरीन नगमा रफ़ी साहब का गाया हुआ गीत सुनाता हूं, जवानियां ये मस्त मस्त बिनती है। तो आइए दोस्तों महफिल ऐसे ही बढ़ती रहेगी लेकिन आप खास करके YouTube पे शेयर करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। एक के बाद एक से बढ़कर एक फनकार यहाँ से पेश होते रहेंगे। फिलहाल सुनते हैं जवानियाँ ये मस्त मस्त बिनती है। जवानियाँ मस्त मस्त बिनती है, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। जवानियाँ मस्त मस्त बिनती है, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते सभी हसी सभी जवान कहाँ पे दिल को हारी है, सभी हसी सभी जवान कहाँ पे दिल को हारी है, सभी हद की महिमा किसे किसे चाहते
तो बेकरार हो लिए के दूर निगाह के गुनाहगार हो लिए गुनाहगार हो लिए जवानियां मस्त मस्त बन लिए जलाती चल रही है राह में दिए न जाने न जाने इनमें कौन है मेरे लिए 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 मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच। आइए दोस्तों अब अगले फनकार को यहाँ से बुलाते हैं और इस बेहतरीन महफिल को इसी अंदाज में शुरू रखते हैं। आइए दोस्तों अब अगले फनकार को बुलाते हैं, मनोज भाई डोडिया। वैसे कहावत दोस्तों ऐसी है कि तीन तिगड़ा काम बिगड़ा, लेकिन मनोज जी जो सॉन्ग सुनाएंगे उसमें भी एक तिगड़ा है, लेकिन ये तिगड़ा ऐसा है राजेश खन्ना जी, किशोर कुमार और आर डी बर्मन। तो ऐसा तिगड़ा होता है तो हम बोलते हैं तीन तिगड़ा काम तगड़ा। तो दोस्तों आइए ऐसा तगड़ा सॉन्ग मनोज जी से सुनते हैं फिल्म मेरे जीवन साथी से, ओ मेरे दिल के चैन। Oh
दुआ कीजिए। गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम पे सिला दीजिए। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन। थैंक यू। क्या बात है मनोज भाई। तो आइए दोस्तों, फिर से एक बेहतरीन फनकार को यहाँ बुलाते हैं, बीनाबेन गोकाणी यहाँ बुलाते हैं दोस्तों। और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस फिल्म से जतिन ललित के संगीत के साथ आनंद बख्शी का लिखा हुआ बेहतरीन नगमा ये सुनाएंगी लता जी ने, फिल्म में इसमें आवाज़ दी थी। गीत के बोल हैं, मेरे ख्वाबों में जो आए। हेलो
बेउबर है। दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं हमारी बीनाबेन गोकाणी है, वो गोब्ड गिफ्टेड गोकाणी परिवार की डॉटर है। कराओके में क्या होता है कि लोग लिरिक्स पढ़ के और लिरिक्स में ही नज़र डाल के, लिरिक्स में पूरा चेहरा, पूरा अपना शरीर डाल के लिरिक्स ही देखते हैं। लिरिक्स की उसकी दुनिया होती है परफॉर्मेंस के हिसाब से। लेकिन बीनाबेन गोकाणी जो कि गॉड गिफ्टेड है, तो ये तो उसने MP3 में गीत गाया कह सकते हैं। आप वहाँ बैठे भी तालियां बजा सकते हैं। यहाँ लोगों को तो मैं विनती करूँगा, थैंक यू बीनाबेन, थैंक यू, इट वॉज ए नाइस सॉन्ग, थैंक यू। तो दोस्तों इस बेहतरीन नगमे के बाद आइए दोस्तों एक और फनकार को यहाँ बुलाते हैं मैथिलीबेन शेठ को। ये बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब करती है और बहुत अच्छी डिजाइनर भी है, और उससे भी एक अच्छी बात है कि ये मेरी बड़ी बहन है और हम दोनों कमलेश भाई के किड्स। और ये जिस्म मूवी से श्रेया घोषाल जी का गाया हुआ बेहतरीन नगमा सुनाएंगी, जादू है नशा है।
थैंक यू वेरी मच। तो आइए इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद हम शिवरंजनी कला कराओ के क्लास के टीचर को यहाँ बुलाते हैं। प्लीज़ हेल्प मी वेलकम कमलेश ओझा। इन्होंने 503 दिन तक दोस्तों फेसबुक पे लाइव हर रोज़ 2 घंटे गाया है और इस वजह से इनको वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सिंगर कहा जाता है। इनके नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसमें इन्होंने 10,000 से भी ज़्यादा नगमे पेश किए थे फेसबुक पे, वो भी आपकी फरमाइश और मेरे गीत इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत। तो आइए दोस्तों इनसे किशोर कुमार का गाया हुआ और राजेश खन्ना जी पे फिल्माया गया फिल्म सफ़र का इंदिवर जी का लिखा हुआ नगमा सुनते हैं। जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र। जिंदगी का सफर है कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर चलते कैसा सफर कोई।
थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। तो आइए दोस्तों फिर से एक बार बैक टू बैक राजेश खन्ना जी का नगमा यहाँ से सुनते हैं। सुनाने के लिए दोस्तों मैं बुलाना चाहता हूँ उमेश सी सोडा को। सोडा साहब कैडमन स्कूल और सोडा स्कूल के CMD है, मैनेजिंग डायरेक्टर है और न्यू डाइट सिस्टम NDS के प्रचारक भी है। ये राजेश खन्ना जी का बेहतरीन नगमा सुनाएंगे, रफ़ी साहब का गाया हुआ ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आँखें। दोस्तों कहा जाता है ना जुल्फों के बारे में कि जब यार ने उठाकर जुल्फों के बाल बांधे, जब यार ने उठाकर जुल्फों के बाल बांधे तब मैंने अपने दिल में लाखों ख्याल बांधे। आइए इसी बात पे ये प्यारा सा नगमा पेश है। ये शरबती आके इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आके इन्हें देख कर जी रहे सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं Oh,
क्या जादू है जाने, फिर जाग गिरे दीवाने, इन्हें देख कर सी रहे सभी, इन्हें देख कर सी रहे सभी, ये रेशमी जुल्फे ये शरबतिया के, इन्हें देख कर सी रहे सभी, तो ये थे सुरा साहब। और थोड़ी बात करने के लिए, कुछ दो शब्द कहने के लिए दोस्तों, मैं जीतू भाई को स्टेज पर बुलाता हूँ, जीतू भाई छुछिया। और इसके साथ ही दोस्त, सिर्फ बात नहीं, मैं चाहूँगा कि आप अपना एक नगमा भी यहाँ से सुनाएं, लेकिन उससे पहले कुछ शब्द आप बोलेंगे। नमस्कार। वैसे तो यहाँ हम सब सिंगिंग के लिए इकट्ठे हुए हैं, लेकिन बोले बिना मैं रह नहीं सकता, क्योंकि 5 महीने पहले पता नहीं था कि इतनी अच्छी तरह से हम स्टेज पे भी गा सकते हैं। अभी आपने 9 साल से लेके 75 ईयर्स तक के सब स्टूडेंट देखे जिन्होंने यहाँ पे अपने अपने सॉन्ग प्रस्तुत किए, लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह है कि कोई कोई स्टूडेंट 5 दिन से जॉइंट हुआ है और कोई कोई 5 महीने से हुआ है। सब में आपको उसकी बारीकाई क्या है वो उससे पता चल जाएगा कि कितना इसने एक्सपीरियंस किया है। सबसे पहले मैं कमलेश भाई को बुलाना चाहूँगा कि जिसकी वजह से हम यहाँ कॉन्फिडेंटली स्टेज पे आते हैं, उसके लिए मैं कमलेश भाई को बुलाता हूँ। बहुत थैंक यू कमलेश भाई, आपने बहुत अच्छी तरह से ट्रेन किया। सबसे पहले जब सिंगिंग के लिए आए तब पता था कि लय का तो पता था क्योंकि सुनते थे, लेकिन लय के बाद सुर होता है, सुर के बाद भाव होता है, वो सब पता यहाँ आके चला। और सब में जो है वो हम देख भी सकते हैं कि कितना फर्क महसूस हमने किया है। पहले जब 5 महीने बाद पहले मैं यहाँ आ रहा था तब किसी ने बोला कि आप इस एज में जाओगे सीखने के लिए, तो मैंने बताया कि ख्वाहिशें नहीं होती किसी उम्र की मोहताज, ख्वाहिशें नहीं होती किसी उम्र की मोहताज, कुछ शौक अगर जीने लगे तो सांसें भी कम पड़ जाती है। मतलब शौक की एक उम्र होती है और उम्र का एक शौक होता है, लेकिन संगीत एक ऐसी शख्सियत वो है कि जिसमें कोई उम्र का बात नहीं है, आप चाहे 5 साल का हो या 100 साल का हो, सब में इतना एंजॉय करते हैं। और थैंक यू कमलेश भाई, जो आपने हमें एक नई राह, जो निवृत्ति के बाद की प्रवृत्ति बहुत अच्छी सी, इसके लिए थैंक यू। मेरी भी ये निवृत्ति के बाद की प्रवृत्ति है, मैं भी रिटायर्ड हुआ हूँ 2 साल पहले बैंक ऑफ इंडिया से, लेकिन आप सभी इतनी मेहनत करते हैं इसलिए आप यस। तो आई वुड रिक्वेस्ट पारुलबेन जोशी टू जॉइन जीतू भाई, और बेहतरीन गीत है एक, ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। दोस्तों साथियों, एक क्वीज है आप सबके लिए, जो मैंने क्लास में तो कही थी, लेकिन आज जग जाहिर जिसको कहते हैं ओपनली वर्ल्ड वाइड ये क्वीज देता हूँ। हमने आंखों की प्रशंसा करते हुए शायर को सुना है, और वो आंखें किसकी होती है, महिलाओं की, महिलाओं की आंखों के लिए ये गीत होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा गीत है जो महिला गाती है और पुरुष को कहती है। फिल्म में कौन थे, राकेश रोशन, कि ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। तो इसमें आंखों की जो प्रशंसा की गई है वो मेल की गई है। सारे गाने जो है वो, ओ नैना है जादू भरे, ओ गोरी तेरे, ओ गोरे तेरे नहीं है ओके तो इसीलिए मैं ये सॉन्ग में हूँ।
उभा रहो हेलो हेलो तो पेले उभा रहे थोड़े जना तो आलो को कहवा जीतू भाई आ बाजू वेला ओके साउंड रेडी माइक रेडी
मोहब्बत में छुपा चुप हो तो आंखें बात करती है। मोहब्बत में छुपा चुप हो तो आंखें बात करती है। वो कह देती है सब बातें जो कहना भूल जाते हैं। ગીત એવું ગાવું કે એન્કરને પણ ઈચ્છા થઈ જાય વન્સ મોર કહેવાની, જબરદસ્ત આ ગીત રહ્યું. અને હવે બોલાવવા માંગીશ એક બહુ જ ખાસ કલાકારને જેમની કલા અહીંયા ઊભો છે. માય અહીંયા હમણાં મૈથિલી તમને સાંભળી, એ પર એની ડોટર છે, હું એમનો સન છું. અને પ્લીઝ હેલ્પ મી વેલકમ લતા ઓઝા. અને કહેવાય છે કે માથી મોટું કોઈ નથી હોતું, કેમ તે માની પણ માને નાની કહેવાય છે, એટલે માથી મોટું કોઈ નથી હોતું. અને અહીંયાથી સોંગ પેશ કરશે જગજીત સિંઘનું, હોઠો સે છૂલો તું મેરા ગીત અમર કરતો. संगीत अमर कर दो
अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीत किए मुझसे मैं हर दम ही हारा, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। थैंक यू। तो आइए अब एक और दो गाना दोस्तों सुनते हैं, बुलाते कमलेश ओझा को और दर्शना बेन ठाकर को। यहाँ से मुकेश जी और लता जी का गाया हुआ एक बेहतरीन दो गाना यहाँ से पेश करेंगे, जिसमें रोशन जी का संगीत है और मल्हार फिल्म का ये खूबसूरत संगमा कहाँ हो तुम जरा आवाज़ दो हम याद करते हैं। और ये जो YouTube लाइव है दोस्तों, हम जामनगर से कर रहे हैं ब्रॉडकास्ट, लेकिन गुजराती नहीं पूरी दुनिया से लोग देख रहे हैं, ओमन, दुबई, कनाडा, जाम खंबड़े, मुद्रा, अहमदाबाद, मुंबई, पोरबंदर, जूनागढ़ और यहाँ तक कि USA से भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। वेलकम एवरीवन, और आप कमेंट करते रहिए और अपने यारों दोस्तों के साथ इस शो को शेयर भी करिए। आइए फिलहाल कमलेश जी और दर्शना बेन से ये बेहतरीन नगमा सुनते हैं। कभी भर
फिर से जीतू भाई छिछिया को स्टेज पे बुलाते हैं और हेमंत कुमार जी का गाया हुआ एक बेहतरीन नगमा उनसे सुनते हैं। लेकिन इस बीच में मैं यहाँ बैठे हुए सब लोगों से और YouTube पे हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं सबसे एक क्विज पूछना चाहता हूँ कि हेमंत कुमार जी का पूरा नाम क्या था, कोई कह सकता है? और इस गीत के राइटर है इंदिवर जी, उनका पूरा नाम क्या था? ये दोस्तों दो सवाल है। जीतू भाई का सॉन्ग आप एंजॉय करिए, आप कमेंट कर सकते हैं YouTube पे, वरना इस गीत के बाद मैं इसका जवाब आपको देता हूं। गीत के बोल है, तुम्हें जो भी देख लेगा। तुम्हें जो भी देख
देख लेगा, किसी का न हो सकेगा, परी हो भला हो क्या हो तुम्हें जो भी देख लेगा। दुनिया चले उधर ही जिधर ये निगाह घूमे, जब नम को देख लो कर बन कर शराब झूमे, नशा ही नशा हो क्या हो तुम्हें जो भी देख लेगा, किसी का न हो सकेगा, परी हो भला हो क्या हो तुम्हें जो भी देख लेगा। कजरार नैन भवरे पल के जो खोलते हैं, दिलों की भी साथ क्या है, ईमा भी डोलते हैं, भूतों के खुदा हो क्या हो तुम्हें जो भी देख लेगा, किसका न हो सकेगा, परी हो भला हो क्या हो तुम्हें जो भी देख लेगा। कहाँ ये दमकता मकड़ा, कहाँ ऐसा नूर होगा, जिसने बनाया तुमको उसे भी गुरूर होगा, खुदा की अदा हो क्या हो तुम्हें जो भी देख लेगा, किसी का न हो सकेगा, तुम्हें जो भी देख लेगा, किसी का न हो सकेगा, परी हो भला हो क्या हो तुम्हें जो भी देख लेगा, किसी का न हो सकेगा, परी हो भला हो क्या हो तुम्हें जो भी देख लेगा। थैंक यू। तो जो मैंने सवाल पूछा था हेमंत कुमार जी का नाम, पूरा नाम क्या था, यहाँ से कोई बताना चाहेगा, जो हमारे ऑडियंस यहाँ बैठे हैं, कलाकारगण यहाँ बैठे हैं, हेमंत कुमार मुखोपाध्याय जी, हाँ उनका पूरा नाम यही था। और इंदिवर जी का पूरा नाम था श्यामलाल बाबू राय। और फिर से एक बार उमेद सिसोदा हमारे साथ हैं। सर आपकी एज कितनी है? 74 इयर्स। और हम कहते हैं कि 74 इयर्स यंग है सोडा साहब, क्योंकि इनका पैशन और इनके जो गीत सिलेक्शन है एक से बढ़कर एक। जितेंद्र जी पे फिल्म आ गया ये गाना है, आने से उसके आए बाहर। ओ
उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। बजते हो गुरु कहीं पे आग पर्वतों से, जैसे गिरता हो सरदा जमीन पे। चरणों की मौज है वो, मौज की रवानी है मेरी महबूबा, महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। बेहतरीन सोलो के बाद अब बारी है एक प्यारे से दो गाने की। बुलाते हैं जीतू भाई छुछिया को और पारूबेन जोशी को। फिल्म कामचोर से अलका याग्निक और किशोर कुमार का गाया हुआ बेहतरीन नगमा तुझ संग प्रीत लगाई सजना। सजना, सजना, सजना।
संग प्रीत लगाई सजना 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 हो तुझे संग प्रीत लगाए सजना 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 ओ रामा आजा तेरे हाथों में मेहंदी लगा दूं गोरी गोरी बाहों पे कंगना चढ़ा दूं काली घटाओं का कजरा लगा दूं काली घटाओं का कजरा लगा तू ही मन को है भाई सजना 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 हो रामा दोस्तों ये बेहतरीन नगमे के बाद मैं जानता हूं आप सबको मजा आ रहा है यहां भी जो लोग हैं जोरदार दोस्तों तालियां हो जाए फिर से एक बार और YouTube पे भी जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं आप कमेंट करिए हमें बहुत अच्छा लगेगा हम देख रहे हैं कि ज्यादा लोग जुड़े हैं लेकिन कमेंट लोग कम कर रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए उसमें हार्ट्स है वो सेंड करिए यहाँ कलाकार को बहुत अच्छा लगता है तो आइए दोस्तों अब
बारी है हितेश भाई चौहान की, यहाँ स्टेज पे मैं बुलाना चाहता हूँ। ये DCC हाई स्कूल जामनगर के इंग्लिश ट्यूटर हैं और बहुत ही बेहतरीन गायक है। यहाँ से अमिताभ बच्चन पे फिल्म आ गया और किशोर कुमार का गीत सुनाएंगे, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। क्या इशारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं कि तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा। मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। तेरा आंचल ये प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं खुशियां जहां की, तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं। तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। Thank you.
थैंक यू. क्या बात है, क्या बात है. तो आइए दोस्तों, फिर से एक बार बेहतरीन फनकार को यहाँ मैं बुलाना चाहता हूँ, पंकज भाई छीछिया. इनका मैं स्वागत करता हूँ स्टेज के ऊपर. पेशे से ये कैंपस डायरेक्टर है विद्यासागर इंफोटेक कॉलेज के, उसी कॉलेज से जहाँ मैंने पढ़ाई की है. तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है इनको इन्वाइट करना. मैकेनिकल इंजीनियर है दोस्तों, और यहाँ से मुकेश जी का गाया हुआ बेहतरीन नगमा सुनाएंगे, चांद आहें भरेगा. वैसे चांद की बात हुई है और मैं शायरी ना सुनाऊं तो कैसे चलेगा. तो किसी ने क्या खूब कहा है कि हुआ था शोर पिछली रात को कि दो चांद निकले थे. हुआ था शोर पिछली रात को कि दो चांद निकले थे. बताओ तुम्हें छत पर टहलने निकलने की क्या ज़रूरत थी. तो आइए दोस्तों पंकज सर से बेहतरीन नगमा सुनते हैं मुकेश जी का, चांद आहें भरेगा. चांद आहे भरेगा फूल दिल थाम लेंगे. उस नदी का चली को सब तेरा नाम लेंगे. चांद आहे भरेगा चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा. जिस जगह तू नहीं है उस जगह है अंधेरा. कैसे फिर बिन तेरे बदनाम लेंगे. कैसे फिर बिन तेरे बदनाम लेंगे. खुशन की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे. चांद आहे भरेगा नाजुक सिकलिया. बात मिश्री की डलिया. ओठ गंगा के साहिल जुल्फ जन्नत की गलिया. तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे. तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे. उसने की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे. चांद आहे भरेगा कुछ कहेगी घटा भी. और मुमकिन है तेरा जिक्र कर दे खुदा भी. फिर तो पत्थर जब से काम लेंगे.
सिर पर जब से काम लेंगे उसने की बात चली सब तेरा नाम लेंगे भरेगा फूल दिल थाम लेंगे उसने की बात चली सब तेरा नाम क्या बात है। वैसे आपने सर एक मिनट रुके, वैसे आपने जैसे देखा मैंने गीत गाया, मेरे बहन ने गीत गाया, मेरी मदर ने गीत गाया, मेरे फादर कमलेश ओझा ने गीत गाया, वैसे पंकज सर गीत गाते हैं, इनके ब्रदर जीतू भाई छीछी आपने सुना बेहतरीन गीत गाते हैं, और अब बुलाते हैं पंकज सर की बेटर हाफ डॉक्टर वर्षाबेन छीछिया को। और जिसके लिए सॉन्ग गाया था उनका बेहतरीन तरीके से जवाब देती है, रुक जा रात ठहर जा रे चंदा। तो वर्षा बिन चीचिया है, रिटायर्ड लेक्चरर है एके दोषी महिला कॉलेज से, और अभी ट्रस्टी है विद्यासागर इन्फोटेक कॉलेज की, और बहुत ही बेहतरीन दोस्त से नगमा इन्होंने चुना है, रुक जा रे रात ठहर जा रे चंदा। चिंता तू तन है मन में
नंदा क्या बात है कराओके सिंगिंग, कराओके सिंगिंग ये कितना आशीर्वाद रूप है कि आप कपल को देख सकते हो सीनियर सिटीजन है, वैसे मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ लेकिन, और इतने बिजी शेड्यूल में भी रहते हैं, आज भी वो डायरेक्टर है ना कैंपस के, हाँ प्राइवेट कॉलेज के कैंपस के डायरेक्टर है हमारी वर्षा बेन, और पीएचडी है, डॉक्टरेट किया हुआ है, तो डॉक्टर वर्षा बेन है वो, आज ही कल ही मुझे शाम को ही पता चला है जिन्होंने बताया कि वर्षा बेन की वो स्टूडेंट भी है, अच्छी बात है। तो ये देखो ये कराओके सिंगिंग को जो क्या बोलते हैं गुजराती में को भांडे से इनके भाई जिसे हाँ गाली देते हैं कराओके सिंगिंग को, कई कई शास्त्रीय संगीत वाले ऐसे होते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि कराओके संगीत की वजह से ही कितने लोगों के घर में खुशी आ रही है, इसके हेल्दी लाइफ है, इसके इसका कुछ हेल्थ चैलेंज हुआ था, मैं वो डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ही हैज कम आउट ऑफ इट थ्रू म्यूजिक ओनली, थ्रू कराओके सिंगिंग ओनली, इट वॉज अ लाइफ चैलेंजिंग सिचुएशन इन हिज लाइफ, सो कराओके सिंगिंग हैज रिवाइव्ड हिज लाइफ, ऐसा कह सकते हैं। आज के समय में हम देख रहे हैं कि सब फैमिली में बच्चे बाहर हैं और खाली कपल रहते, कमलेश भाई जैसे बहुत कम किस्मत वाले कि जहाँ सब साथ में हैं, तो जब अकेले कपल रहते तो घर में अकेले रहने से झिक 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 झिक, उससे अच्छा तो सुर लगे मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है, ये कमलेश भाई की बदौलत है जो मेरे गुरु बने, मैं कईयों की गुरु हूँ लेकिन मेरे गुरु कमलेश भाई। और सुनो आपने बताया ना कि झिक 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 करने से तो बेहतर है कि मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो मैं बता देता हूँ, सुनो थोड़ी देर के बाद आपको एक डुएट गाना है जो मैं देता हूँ वही, और डुएट बता दूं नहीं, चैलेंज है आपके लिए, चलो तो दोस्तों जैसे एक के बाद एक मैं सब फनकार को इंट्रोड्यूस करता हूँ अपने गीत गाने के लिए, अगले फनकार को मैं बुलाऊं लेकिन उनके बारे में मैं क्या ही बताऊं, क्या कहूं कि कौन हो तुम, खूबसूरत एहसास हो तुम, शायर का ख्वाब हो तुम, मंजिलों की तलाश हो तुम, सुकून का एहसास हो तुम, चांदनी रात हो तुम, मोहब्बत की बारिश हो तुम, इश्क का राज हो तुम, पलकों की आस हो तुम, धड़कनों की आवाज़ हो तुम, हर तारीफ तुम्हारे लिए कम पड़ जाए क्योंकि बेहद खास हो तुम। तो ऐसे ही एक बोलूं बड़ा तो ऐसे ही बेहद खास व्यक्ति का बुलाना चाहता हूँ, माय बेटर हाफ हिमानी प्लीज कम ऑन द स्टेज। और हम यहाँ से दोस्तों आर डी बर्मन का संगीत है 1942 ए लव स्टोरी से एक बेहद बेहतरीन नगमा सुनाएंगे, रिमझिम रिमझिम रुमझुम रुमझुम।
धीरे धीरे तुम हम चलते हैं।
थैंक यू। तो ये थी आर डी बर्मन की वन ऑफ द लास्ट मेलेडीज उन्होंने जो बनाई थी बॉलीवुड के लिए। आइए दोस्तों, अगले फनकार को यहाँ बुलाने का समय आ चुका है। मैं बुलाना चाहता हूँ पीयूष व्यास को, बैंक ऑफ बड़ौड़ा के ये सिक्योरिटी मैनेजर है, रीजनल ऑफिस बैंक ऑफ बड़ौड़ा जामनगर में ये कार्यरत हैं, और किशोर कुमार का गाया हुआ बेहतरीन नगमा दोस्तों सुनाएंगे, जीवन में हम सफर मिलते हैं ज़रूर। थैंक यू। जीवन में हम सफर रुक क्यों गए, गाओ ना, रास्ता कट जाएगा। हे सर, क्या बात है, वेरी नाइस। आप भी, मैं सोचता हूँ पहली बार स्टेज पे ऐसे आए हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बेहतरीन दोस्तों। फिर से एक बार जोरदार ताली बजाने चाहिए व्यास सर के लिए, थैंक यू। अभी एक खूबसूरत सा दो गाना हम पेश करते हैं फिल्म दिल्ली का ठग से। यहाँ मैं बुलाना चाहता हूँ पंकज भाई चिचिया और डॉक्टर वर्षाबेन चिचिया को। किशोर कुमार और आशा भोसले का ये बहुत ही बेहतरीन नगमा है, रवि जी का संगीत है और शैलेंद्र जी की लिखावट। ये रात है ये मौसम नदी का किनारा। दोस्तों साथियों, ये अश्वन भाई दोनों एक ही फंक्शन में, कॉलेज में कई बार फंक्शन करते हैं, ट्यूशन में भी आते हैं, यहाँ पे क्लास में, कराओ के क्लास में, लेकिन दोनों का टाइम भी अलग है, वो पता ही क्यों मुझे मालूम नहीं है।
और दोनों सोलो ही गाते थे, ऐसा जब मुझे पता चला। उसके बड़े भाई साहब जो जीतू भाई चीचिया ने बहुत अच्छे अच्छे गीत पेश किए, वैसे तो उन्हीं से पता चला था, पेपर फूटी हुई तो बताया कि ये दोनों अलग अलग सोलो ही गाते, कभी डुएट नहीं गाया। तो आज पहली बार वो आपके सामने, हमारे सामने, सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने पहला डुएट वो पेश कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू सर। आवाज आ रही है। मेरा है ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये आते ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने मिल मिल कर कभी न होंगे जुदा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये बहकी निगाहें लुहाने लगा जिंदगी का मजा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। सितारों की महफिल में करके कहा तो सारा जहाँ है तुम्हारा, मोहब्बत जवा हो खुला आसमां हो, करे कोई दिलदार और क्या। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे, रहे साथ जब तक ये बंधन न टूटे। तुम्हें दिल दिया है ये वादा किया है, सनम मैं तुम्हारी रहूंगी सदा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने के मिलकर कभी हम न होंगे। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों, प्यार भरा ये दो गाना था। प्यार के लिए दोस्तों कहते हैं ना कि इनकार को इकरार कहते हैं, खामोशी को इजहार कहते हैं। इनकार को इकरार कहते हैं, खामोशी को इजहार कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा धोखा है जिसे लोग प्यार कहते हैं। तो इसी यहां से महेंद्र सिंह जाडेजा ये गीत पेश करेंगे, किशोर कुमार की बेहतरीन आवाज है। महेंद्र सिंह दोस्तों अतुल मोटर्स मारुति वर्कशॉप में सर्विस मैनेजर है जामनगर में। कटी पटंग का ये बेहतरीन नगमा जाडेजा साहब सुनाएंगे, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है।
समा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। समा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। उसको जल जाना होता है हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है मुस्काना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। रहे कोई सो पर्दों में डरे शर्म से, नजर अजी लाख चुराए कोई सनम से, रहे कोई है जी हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, हर से बेगाना होता है। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। हो छलक जाता है जो बेमाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, बेगाना होता है। थैंक यू, जबरदस्त महेंद्र सिंह, बहुत बेहतरीन ये नगमा रहा। तो आइए, एक दो गाने की बारी है, लेकिन मेल फीमेल दो गाना नहीं, दो दोस्त यहाँ आके एक दो गाना सुनाएंगे दोस्ती का। और इत्तेफाक से जिस फिल्म से ये नगमा है, वो भी फिल्म का नाम है दोस्ताना। गीत गाया है किशोर कुमार और रफ़ी साहब ने, आनंद बख्शी ने लिखा है। यहाँ से पेश करेंगे हितेश चौहान जी और कमलेश ओझा जी। आइए दोस्तों, पेश है बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा।
बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। भी हम दोस्तों ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, हमें दोस्ती की कसम दोस्तों, पता कोई पूछे तो कहे हमारा, मत रहे दोस्ता हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। थैंक यू बेहतरीन दोस्तों, ये नगमा रहा और दोनों गायकों का कुछ खास कनेक्शन भी है, दोनों इंग्लिश के ट्यूटर रहे हैं, दोनों ने संगीत का खूब शौक पाल रखा है। आइए दोस्तों महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं जयेश भाई मेहता को। फिर से एक बार रफ़ी साहब का नगमा है, तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है। जयेश भाई शिपिंग कंपनी में मैनेजर के तौर पर जॉब करते हैं और बेहतरीन गायक भी है। तो आइए दोस्तों इनसे सुनते हैं रफ़ी साहब का नगमा, तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है। Thank you. Thank you.
बगैर जहां में कोई कमी थी, भटक रही थी जवानी अंधेरी में, सुकून दिल का मिला बेहतरीन जयेश भाई। तो दोस्तों आज की महफिल में अब तक मधोशी से भरे नगमे सुने, सैड सॉन्ग सुने, हैप्पी सॉन्ग सुने, रोमांटिक सॉन्ग सुने, दो गाने सुने। अब बारी है दोस्तों एक बहुत ही एनर्जेटिक सॉन्ग की। फिल्म सत्य पे सत्ता से हमने लिया है, आरडी बर्मन का संगीत है। यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ कमलेश ओझा मेरे फादर को, और उनका साथ दूंगा मैं सशेष ओझा। आए दोस्तों हम दोनों आपको सुनाते हैं प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। तुमने वो क्या देखा जो कहा दीवाना, हमको नहीं कुछ समझ जरा समझाना। Oh,
कोई मिलता है रातों कोई तो बताए क्या होगा प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया के दिल कर हाय कोई ये बताए क्या होगा रू बुझा दो अरे बत्ती तो बुझा दे यार बत्तियां बुझा दो के नींद नहीं आती है बत्तियां बुझाने से नींद नहीं आएगी बत्तियां बुझाने वाली जाने कब आएगी है
थैंक यू वेरी मच। तो इस तड़कते भड़कते नगमे के साथ आज के बेहतरीन महफिल का दोस्तों हम अंत घोषित करते हैं, लेकिन हमारी जो एक के बाद एक महफिल है यहाँ से आती रहेगी, तो ये हमारे संगीत के सफ़र का अंत नहीं, बस आज की महफिल हम अंत करते हैं और वादा करते हैं कि इससे भी अच्छी महफिल लेके आपके पास हम ज़रूर आएंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, गुड बाय।